अशोक कुमार किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, आपने भी अक्सर उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी बातों को सुना होगा। आज हम बात करते हैं अशोक कुमार जी को अपने जीवन की पहली फिल्म कैसे मिली। बात है 1936 की, जब वो बॉम्बे टॉकीज नाम के एक थिएटर में एज ए लेबोरेटरी असिस्टेंट काम किया करते थे। उस टाइम उस थिएटर के ऑनर हिमांशु राय, जो की एक फिल्म बना रहे थे जिस फिल्म का नाम था जीवन नया, उस फिल्म में लीड रोल में थे नजाम उल हुसैन। उस फिल्म के दौरान नजाम उल हुसैन को उनकी वाइफ देवका रानी से प्यार हो जाता है, जिस प्यार के चक्कर में वो उनको लेके फरार हो जाते हैं। इस बात से हिमांशु राय बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। फिलहाल वो अपनी वाइफ को तो माफ कर देते हैं, नजाम उल हुसैन को माफ नहीं करते हैं और उनको की फिल्म से निकाल देते हैं। तो इस तरीके फिर उनकी नजर जाती है कुमुद लाल पे। जी हाँ, अशोक कुमार जी का नाम कुमुद लाल था। वो उनको अपनी फिल्म की पेशकश करते हैं, जिसको अशोक कुमार जी एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस तरीके उनको अपने जीवन की पहली फिल्म मिलती है। इसी तरीके की फिल्मी बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।